हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टिन एसीम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त रिलायंस जियो के ऑफ़र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अप्लाई करके आप किसी भी जियो रिचार्ज पर 199, 399 या 555 वाले रिचार्ज पर सीधे 100 रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपये का डायरेक्ट कैशबैक आपको मिल जाएगा जैसे ही ये ऑफ़र आप अप्लाई करेंगे, और मैं लाइव डेमो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप एक रिलायंस जियो यूज़र है, जियो सिम को अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वीडियो आप पूरी ध्यान से देख लीजिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। जैसे ही आप पॉइंट मिस करेंगे, आपको 100 रुपये का कैशबैक जाता रहेगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अपना माई जियो ऐप ओपन कर रखा है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा प्लान एक्सपायर हो चुका है और ऊपर इसका नोटिफिकेशन आ रहा है कि रिचार्ज करो। इसके ऊपर मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं 100 रुपये का कैशबैक लूँगा कोई सी भी अमाउंट के रिचार्ज पर, तो आप वीडियो देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे माई जियो ऐप से नॉर्मली रिचार्ज करते हैं, उसके लिए यहां पर आप रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपको रिडायरेक्ट किया जाता है प्लान की तरफ को। तो यहाँ पर आप जो भी प्लान यहाँ से चूज़ करना चाहें वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं 555 वाला रिचार्ज, 555 वाला तो नहीं करता, मैं 199 वाला करता हूँ, जो मुझे आपको दिखाना है, और मैंने थंबनेल के अंदर भी इसी के ऊपर डाला है। तो मैं यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे रिडायरेक्ट किया जा रहा है पेमेंट पेज की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ पेमेंट पेज की तरफ। यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक अप्लाई डिस्काउंट वाउचर आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये का एक वाउचर है, और ये रिलायंस जियो की तरफ से मुझे मिला है, और इसकी एक्सपायरी डेट है 20/5/2021, और ये क्वांटिटी में मेरे पास एक है। तो ये सभी रिलायंस जियो यूज़र को दिया जा रहा है। अगर आप एक रिलायंस जियो का सिम रखते हैं, उसे यूज़ करते हैं, तो आपके पास भी ये कूपन ज़रूर आया होगा, जिसे अप्लाई करके आप 100 रुपये का कैशबैक वापस ले सकते हैं रिलायंस जियो से। तो चलिए मैं आपको ये लाइव अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस पर मैंने क्लिक की दिया, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड मेरा जो अमाउंट है वो 100 रुपये ऑफ हो गया, और मुझे जो रिचार्ज पड़ रहा है अब वो पड़ रहा है 99 रुपये का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ, इसे बैक लेके जाऊं, यहां से दूसरी अमाउंट सेलेक्ट करूं, जैसे कि मैंने 199 वाली यहां पर सेलेक्ट की थी, अब मैं 555 वाली अमाउंट, यहां 599 वाली अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने सेलेक्ट कर ली 555 वाली अमाउंट। अब ये देखिए, मैं रिडायरेक्ट हो गया पेमेंट पेज की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कूपन मेरे पास अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने कूपन यूज़ ही नहीं किया, तो ये अप्लाई होगा कैसे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अप्लाई 100 के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसके अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक की कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 100 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट हो गया, और 455 रुपये का मुझे रिचार्ज पड़ रहा है 555 वाला। यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल भी इसकी देख सकते हैं, रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं, वाउचर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने 555 वाला रिचार्ज सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसके बाद आपको पेमेंट करनी भी होती है रिचार्ज की। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, गूगल पे, अमेज़ोन पे, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और अगर आपके पास वॉलेट है, जियो मनी, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, तो ये भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नेट बैंकिंग यूज़ करूँगा। तो नेट बैंकिंग में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से आप अपनी कोई भी नेट बैंकिंग यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ से डाल के लॉगिन कर लूँगा। आप भी अपना पासवर्ड या लॉगिन वगैरह डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल दिखाई दे रही है, और मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 455 रुपये का ही रिचार्ज मेरी अमाउंट से कटेगा। तो मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। कन्फर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही अमाउंट कन्फर्म के लिए फिर आ गई। फिर मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक 8 या 6 नंबरों का आपको पासवर्ड भेजा जाता है, जो पासवर्ड आप यहां पर डाल के अपनी पेमेंट कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास यहां पर पासवर्ड आ गया है। मैं यहां पर पासवर्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे ये रिचार्ज अभी नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको लाइव डेमो यहां पर दिखा दिया कि मुझे 100 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट हो चुका है, और हो भी जाएगा जैसे ही मैं रिचार्ज ये करूँगा।
तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। तो आप जल्दी जाइए अपने MyJio ऐप के अंदर और ये वाउचर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 20 तारीख तक ही रहने वाला है। 20 तारीख के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 20 तारीख तक ही अप्लाई होगा। अगर आपके पास ये वाउचर पड़ा भी होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा 20 तारीख के बाद। आज 11 तारीख है, तो आप अप्लाई कीजिए और 100 रुपये का लाइव कैशबैक उठा लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पास ये कूपन पड़ा है या नहीं, या आपको ये कूपन मिला है या नहीं मिला।